हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवल। यह सोललैंड नोवल की समरी पर बेस्ड पार्ट 39 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करो, नहीं तो डिसलाइक करने के साथ फीडबैक दे सकते हो, जिससे हम आगे की वीडियो में सुधार कर सकें। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तांगसन उसके और कियान रेनुक्स के बीच जो हुआ पूरा वाकया बताता है और इसी तरह से इनके बीच चिटचैट होती है। साथ ही यह अपनी आगे की प्लानिंग भी करते हैं। इन्हीं बातों के बीच तांगसन की लास्ट सोल रिंग की चर्चा भी होती है, जो डीप सी डेमोनिक व्हेल किंग से आने वाली है, और अपनी लास्ट टाइम की मुठभेड़ को याद करते हैं। और यही एकमात्र एर्थ टेस्ट की अड़चन है जिसे पार करना है। इसकी जानकारी के लिए साउबाई को बुलाया गया है। साउबाई की हेल्प इन लोगों के लिए काफ़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन डाइमोबाई को चिंता होती है कि यदि कियान रेनुक्स बैटल ग्राउंड में पहुंचती है तो वह काफ़ी बड़ा नुकसान कर सकती है। तब तांगसन बताता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जब कियान रेनुक्स ने समुद्र के माध्यम से बात की थी, जब उसने कहा था वह इंतज़ार करेगी, तो इसका मतलब उसे इंतज़ार करना चाहिए। जब तक कि मैं सी गॉड नहीं बन जाता, तब तक मुझे मारने के लिए हो सकता है वह वहाँ पर समुद्र किनारे इंतज़ार करती रहे। इसके साथ ही तांगसन कहता है, मुझे अभी एर्थ टेस्ट को कंप्लीट करना है। तभी साउबाई भी आ जाती है और तांगसन से कहती है, मुझे आपका टारगेट पता है, लेकिन मैं आपको वार्न करना चाहती हूँ, वह सोल बीस्ट बिल्कुल ही अलग है, उसे बोसाइक्सी भी नहीं मार सकती है, इसलिए बेहद ही सावधान रहना होगा। तांगसन साउबाई से कहता है, क्या हमें और भी जानकारी मिल सकती है उसके बारे में? इस पर साउबाई कहती है, तुम वास्तव में ऐसी हड्डी का सामना कर रहे हो जिसे कुतरना मुश्किल है। यदि उसकी पावर की बात करें तो पूरा ही ईविल ओर्का किंग क्लैन और वह उनके बराबर अकेला ही है। वह इतना पावरफुल हो सकता है। साथ ही हमें पता चलता है डीप सी डेमोनिक व्हेल किंग समुद्र की काफ़ी गहराई में होता है, जिसके कारण वह कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। साउबाई बताने लगती है, यह बेहद ही आलसी है, यह हमेशा ही अपने डोमेन में रहता है और हमेशा गहराई में रहता है। गहराई में रहने के बाद भी उसके एरिया में इंसानों के जहाज की ले जाने की मनाही है। लेकिन साउबाई को इसकी कल्टीवेशन कितनी है इसकी सही जानकारी नहीं है, और ना ही उसकी पावर कितनी हो सकती है उसकी जानकारी दे पाती है। यहाँ पर डीमोन व्हेल किंग की कल्टीवेशन कितनी है इसकी जानकारी किसी को नहीं है, जबकि एनीमे में हमें बोसाइक्सी से पहले ही पता चल गया है वह है 1 मिलियन ईयर का है। तांगसन अपने पिछले एक्सपीरियंस से कैलकुलेशन करता है और कहता है वह 99 रैंक के सोल मास्टर के बराबर पावरफुल होगा। यदि इससे ऊपर का होता तो वह पहले ही सेकंड सी गॉड बन जाता। तांगसन समझ जाता है वह बोसाइक्सी के बराबर पावरफुल सोल बीस्ट का सामना करने जा रहा है। तांगसन यदि इस सोल बीस्ट को हरा सकता है तो वह फिर किसी भी सोल बीस्ट को हरा सकता है, जिससे यह चारों समुद्रों में सबसे ज़्यादा पावरफुल है माना जा सकता है। तांगसन के पूछने पर साउबाई ने बताया, हम अगले 3 दिनों में उस तक पहुंच सकते हैं। 3 दिन जल्दी ही बीत गए होते हैं, ऑस्कर भी सॉसेज बना रहा होता है। कुछ ही समय में इन्हें कन्फर्म हो जाता है यह डीप सी डेमोनिक व्हेल किंग के एरिया के बिल्कुल पास में आ गए हैं। तांगसन ने अपने ट्राइडेंट को देखा और उसे सहलाया होता है। भले ही अब वह एक डिवाइन वेपन नहीं रहा, फिर भी पावरफुल है। तांगसन ट्राइडेंट पर सी गॉड हार्ट की खाली जगह को देखकर उदास होता है। तांगसन को अभी नहीं पता इसे वापस रिकवर कैसे किया जाए। तांगसन ने ट्राइडेंट को एक्टिव करने की कई बार नाकाम कोशिश करता है। साउबाई अब तक रुक जाती है और तांगसन से आखिरी बार पूछती है, क्या तुम वाकई में तैयार हो? क्योंकि हो सकता है अटैक के दौरान बाकी तो बच निकलें, लेकिन तुम उसके मेन टारगेट होगे, जो कि किसी भी हालत में नहीं बच सकता है। इस पर तांगसन एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहता है, गॉड भी मुझे नहीं मार सके, तो तुम्हें क्या लगता है मैं अब पीछे हट जाऊं? इतना सुनने के बाद साउबाई ने भी हामी भर दी। साउबाई के सिर से एक डार्क ब्लू लाइट निकलती है जो 7 भागों में बट जाती है। यह साउबाई का डोमेन है जो अपने क्लैन मेंबर के साथ शेयर करती है। इसके साथ ही इनकी पावर भी एक हो जाएगी। सभी तांगसन को देख रहे होते हैं, एक्साइटेड होते हैं और फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। तांगसन के चारों ओर धुंधली गोल्डन साइन होती है। तांगसन की बॉडी कियान रेनुक्स से फाइट करने के कारण और अधिक मजबूत हो गई होती है। अब तांगसन बॉडी के अनुसार हाफ गॉड कहा जा सकता है और तांगसन तेजी से रोनी की आवाज़ निकालता है।
एक प्रकार से हाउल करता है और इसके साथ ही डीप सी डेमोनिक व्हेल किंग की ओर बढ़ता है। सभी ने अपनी स्प्रिट को रिलीज कर दिया होता है। आखिरकार फाइट शुरू होने वाली है। साउबाई और क्लैन मेंबर ने अजीब सी आवाज निकालते हुए उसका पीछा किया। तानसेन की आवाज के साथ यह डीप सी डेमोनिक व्हेल किंग के एरिया में आ जाते हैं। तानसेन की आंखें एग्रेशन से भर गई होती हैं। भले ही क्यान रेनुक्स जैसी पावरफुल आवाज ना हो, लेकिन फिर भी इस आवाज ने डेमोन व्हेल किंग के आसपास के कई समुद्री सोल बीस्ट को झकझोर दिया होता है। किसी को भी नहीं पता कितने सालों पहले डीप सी डेमोनिक व्हेल को किसी ने चैलेंज किया होगा और आज चैलेंज देने वाला कोई इंसान है। सभी सोलविस्ट जो समझ सकते थे तुरंत ही दूर हट जाते हैं। उन्होंने तांगसन को आसमान में देखा। तांगसन के पैरों के नीचे गोल्डन ब्लू लाइट दिखाई दे रही होती है। साथ ही तांगसन की एक के बाद एक सोल रिंग दिखाई देते हैं। अब तक सभी सोल रिंग सही हो गए होते हैं। ट्राइडेंट को अपने लेफ्ट हैंड में लेते हुए राइट हैंड से नीचे की ओर इशारा करता है। गोल्डन ब्लू लाइट जल्दी ही रेड हो जाती है। साथ ही फिफ्थ रिंग फ्लैश होती है। शाओवाई अपने क्लैन मेंबर के साथ दूर खड़ी थी, तभी रोंग रोंग उछलकर आती है और अपने नाइन ट्रीजर ग्लेज टाइल पैगोड़ा को रोशन कर देती है। साओबू के माथे का रेड मार्क भी फ्लैश होने लगता है। इसी के साथ माहुंगजुंग भी आ जाता है। साथ ही माहुंगजुंग की एट हेडेड फायर फोनिक्स का अवतार दिखाई देता है। तांगसन समुद्र की सतह से 500 मीटर की ऊंचाई पर था और माहुंगजुंग तांगसन से 100 मीटर की ऊंचाई पर था। माहुंगजुंग के ऊपर पहुंचने के साथ समुद्र की सतह तुरंत ही काली होने लगी। अत्यधिक प्रेशर के कारण हवा भी जमने लगती है। 5 मीटर के डायमीटर में ब्लू लाइट के पिलर में विस्फोट हुआ जो समुद्र से निकलते हुए दिख रहे होते हैं। विस्फोट से 500 मीटर की दूरी को काट दिया गया और वह तांगसन के पास पहुंचता है। भले ही इस तरह का अटैक तांगसन ने पहली बार नहीं देखा, पर इसे देखते हुए वह शॉक हो जाता है क्योंकि इस अटैक में यूज की हुई भयानक एनर्जी को महसूस कर सकता है। यह क्यान रेनुक्स के अटैक के जैसा ही है, जो खुद की एनर्जी नहीं, जिस तरह से क्यान रेनुक्स सन की एनर्जी को यूज कर सकती है, यह भी उसी तरह से समुद्र की एनर्जी को यूज करते हुए किया गया अटैक था। तांगसन ने अपने लेफ्ट हैंड से ट्राइडेंट के साथ हवा में ही अटैक किया। तांगसन के माथे से फीकी ब्लू लाइट की लाइन ट्राइडेंट को कवर करती है और सीधे ही ओपोनेंट के अटैक से मिल जाती है। भले ही ट्राइडेंट में सी गॉड का हार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यह सी गॉड का वेपन है। डीप सी डेमोनिक व्हेल किंग की भयानक एनर्जी एक पल में बदल गई। वह कंडेंस एनर्जी ब्लू स्पॉट में बदल जाती है जो चारों ओर दिखाई देता है और उसका एक काफी छोटा हिस्सा ही ट्राइडेंट से टकराया होता है। एक विस्फोट के साथ समुद्र का पानी वापस समुद्र में गिर जाता है। तांगसन ने पहला अटैक ब्रेक किया होता है। इसी के साथ ब्लू सिल्वर टायरेंट स्पीयर तुरंत ही दिखाई दिया जो समुद्र में गायब होने वाली एक लाइन में बदल जाता है। तांगसन ने उस अटैक को इतनी आसानी से ब्रेक कर दिया होता है, चाहे कोई हो। साओवाई भी यह देखकर कॉन्फिडेंट हो जाती है क्योंकि तांगसन ने जिसे चैलेंज किया है उसकी पावर किसी को नहीं पता है। लेकिन कोई भी ओशियन बीस्ट कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, आखिर में सी गॉड लाइट के आगे तो झुकना ही होगा। तांगसन का ब्लू सिल्वर टायरेंट स्पीयर एक पल में समुद्र में गायब हो गया। केवल सतह पर एक गोल्डन लाइट का स्पॉट छोड़ जाता है। लेकिन तांगसन को यहाँ पर एक बात का सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। डीप सी डेमोनिक व्हेल किंग कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन उसकी मेंटल स्ट्रेंथ उतनी पावरफुल नहीं थी। समुद्र की सतह से लाइट के काउंटलेस गोल्डन स्पॉट उठे और एक काफी बड़ी बॉडी दिखाई दी। क्रिस्टल ब्लू बॉडी बिना लाइट के सन के जैसी भयानक लग रही होती है। एक आंख तांगसन को घूर रही होती है। तांगसन के टायरेंट स्पीयर का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। डीप सी डेमोनिक व्हेल ने किसी प्रकार का कोई प्रोटेक्शन बैरियर यूज नहीं किया, बल्कि स्पीयर उसकी हार्ड स्किन में घुस ही नहीं सका, जबकि यह तांगसन का पॉइंट अटैक में सबसे पावरफुल अटैक था। डीप सी डेमोनिक व्हेल किंग काफी बेफिक्र लग रहा होता है। यह काफी बड़ी बॉडी समुद्र में किसी किले की तरह लग रही होती है। व्हेल किंग के देखने के साथ एक अजीब सी साउंड वेव हवा में फैल गई। इससे तांगसन को लगा उसकी बॉडी में ब्लड भी वाइब्रेट कर रहा है। डीप सी डेमोनिक व्हेल किंग कहता है, तो यह तुम हो। तांगसन डीप सी डेमोनिक व्हेल किंग की आवाज से हैरान नहीं हुआ। अभी तक तांगसन ने इतने सारे सोल बीस्ट को बात करते हुए देख लिया है, जिससे यह तांगसन को अजीब नहीं लगा।
टांगसन कहता है, मुझे पहचानते हो, अब मैं इसे व्हील किंग ही कहूंगा। व्हील किंग कहता है, क्यों नहीं पहचानूंगा, तुम सी गॉड के सक्सेसर हो। भले ही तुम सी गॉड के सक्सेसर हो, फिर भी मेरे एरिया में नहीं आ सकते हो, बस यही रहो। और हैरानी के साथ कहता है, हो सकता है सी गॉड के सक्सेसर को निकलने के बाद मुझे ब्रेक थ्रू मिल सकता है। इस पर तांसन शांति से जवाब देता है, तब मैं देखना चाहूंगा कि तुम मुझे निगलते हो या फिर मैं तुम्हें बर्बाद कर देता हूँ। व्हील किंग हंस पड़ा, कहता है, बच्चे किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। लास्ट टाइम जिससे मिला था, क्या वह खुद सी गॉड नहीं था, लेकिन फिर भी मुझसे डरता था। इस दुनिया में अब सी गॉड नहीं है, मैं समुद्र का रूलर हूँ। ऐसा लगता है तुम्हारा सोल लेवल 96 रैंक पर है और तुम्हारी बॉडी गॉड के करीब 40% है, जबकि मेरी पहले ही 99% पर है। और तुम्हें क्या लगता है, सी गॉड के हार्ट के बिना उस सी गॉड ट्राइडेंट के साथ मुझे ब्लॉक कर सकते हो? बस तुम्हें खाकर मैं लास्ट परसेंट को भी पूरा कर लूँगा। मतलब मुझे तो यह कुछ ज़्यादा ही पावरफुल लगा। बोलने के साथ व्हील किंग पानी में पलट जाता है और तांगसन की ओर स्लैप करता है। एक पर्पल ब्लू लाइट बिजली की तरह निकली, फिन के फिगर की होती है, तांगसन और माहुंगजुंग की ओर बढ़ रही होती है। जहां से भी वह गुजरी, हवा को फाड़ दिया होता है। व्हील किंग किसी पावर का यूज नहीं कर रहा है, बल्कि यह तो इसकी फिजिकल बॉडी का इफेक्ट था। तांगसन की आंखें चमक उठी। सी गॉड लाइट की एक रे ट्राइडेंट पर फ्लैश होती है। इसमें हैवी अर्थन येलो एंड लाइकली स्काई ब्लू कलर डाले जाते हैं, जिससे वह ब्लैक वेपन बदल गया। दरअसल तांगसन ने ग्रेविटी कंट्रोल का यूज किया होता है। साथ ही तांगसन हवा में ट्राइडेंट से एक सर्किल बनाता है। उसी समय उस सर्किल में ब्लू इलेक्ट्रिक वोल्ट सर्किल में एंटर करता है और इसी के साथ व्हील किंग के अटैक से ट्राइडेंट मिलता है। दोनों ही अटैक काफी वॉयलेंट तरीके से टकराए होते हैं। देखने में ऐसा लगता है कि आसमान की लाइट भी कम हो गई हो। इस पर व्हील किंग कहता है, ऐसा लगता है कि तुमने वास्तव में सी गॉड से कुछ स्किल सीखे हैं। हालांकि यह इतना ही है, उन दिनों सी गॉड ने इस ट्राइडेंट का यूज मेरी आंख को स्टैप करने के लिए किया था और तुम तो सिर्फ सक्सेसर हो। क्या तुम खुद को सी गॉड समझ रहे हो? सी गॉड का जिक्र करते हुए व्हील किंग की आवाज गुस्से से भर जाती है। तांगसन व्हील किंग से कहता है, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारी कल्टीवेशन मिलियन ईयर की होने वाली है। यह बात सुनकर डीमोन व्हील किंग भी हाँ कहता है और बताता है, वह 99% गॉड लेवल पर 100,000 ईयर पहले ही पहुँच गया था, लेकिन 1% की कमी है। लेकिन तुम सी गॉड से कोसों दूर हो और तुम्हें खाकर आज मैं नया सी गॉड बनूंगा। इसी दौरान तांगसन स्काई ब्लू बुल पाइथन राइट आर्म सोल बॉन स्काई ब्लू फेडिंग थंडर क्लैप को लॉन्च कर देता है। साथ ही नाइन्थ सोल एबिलिटी ब्लू सिल्वर स्काई ब्लू ड्रैगन सोल को भी लॉन्च कर दिया होता है। इसी के साथ तांगसन को एक एजियोर ड्रैगन कवर कर लेता है। ट्राइडेंट भी इसी के रंग में रंग दिया जाता है। साथ ही अटैक करने से पहले तांगसन ने तुरंत ही एक इरेक्ट गोल्ड फ्लाई सॉसेज को खा लिया होता है। बूस्ट यही नहीं रोका, लाइट की 7 लाइन भी दूर से किसी इंद्रधनुष की तरह फ्लैश हो रही होती हैं। इसी के साथ एजियोर ड्रैगन आसमान से गिर रहा होता है। व्हील किंग जोर से चिल्लाता है, तुम मुझे मारना चाह रहे हो। वह फिर से मुड़ता है और अपने फिन टेल से एजियोर ड्रैगन को स्लैप करता है। अटैक के साथ तांगसन ने ग्रेविटी कंट्रोल के यूज से ट्राइडेंट का वजन 1,080,000 जिन भारी कर दिया होता है। तांगसन का अटैक किसी गॉड लेवल के अटैक से कम नहीं था। व्हील किंग का फिन टेल एजियोर ड्रैगन से टकराता है। काउंटलेस इलेक्ट्रिक बोल्ट दिखाई दिए। व्हील किंग ने भी अपनी पूरी ही एनर्जी को लगा दिया होता है। टक्कर के साथ एजियोर ड्रैगन बिखर जाता है। इसी के साथ तांगसन ने ट्राइडेंट से व्हील किंग की फिन टेल पर अटैक किया। ट्राइडेंट की 3 ब्लेड ने व्हील किंग की स्किन को खोलकर रख दिया होता है। व्हील किंग दर्द से चिल्लाता है, वह सिर्फ इसे बाहर फेंकना चाह रहा होता है। तांगसन ने भी सी गॉड ट्राइडेंट को दोनों हाथों से पकड़ रखा होता है और उसी के साथ सी गॉड की लाइट से ट्राइडेंट से और अधिक पेनिट्रेट करता है। इसी पल तांगसन की 8 स्पाइडर लांस भी निकल जाते हैं और फिर वह व्हील किंग की बॉडी में स्टैब होते हैं। व्हील किंग ने तांगसन को अंडर एस्टिमेट किया, जिसका खामियाजा व्हील किंग को भुगतना पड़ा। ट्राइडेंट के अटैक के लिए तांगसन को व्हील किंग का वीक पॉइंट देखना पड़ा।
लेकिन 8 स्पाइडर लांस जो पहले ही गॉड लेवल पर आ चुके हैं उन्हें वीक पॉइंट की जरूरत नहीं है, जिससे वह सीधे ही बॉडी में एंटर कर जाते हैं। वेल किंग ने तांगसन को अपनी बैक पर से फेंकने की काफी कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। भले ही वह 8 स्पाइडर लांस के पॉइजन से ना मर सके, लेकिन वह उन्हें ब्लॉक भी नहीं कर सकता है। वेल किंग घूम जाता है, डोमेन का यूज करता है, लेकिन सी गॉड लाइट और बेस्ट सी बैरियर से घिरे हुए तांगसन को कोई इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन इसी के साथ तांगसन के मुंह से भी खून आता है, जो कि वेल किंग के फिन टेल के अटैक की चोटों के कारण हुआ होता है। तांगसन ने भी तुरंत ही कैटरपिलर सॉसेज खा लिया होता है। 8 स्पाइडर लांस पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, जिससे वेल किंग की काफी एनर्जी को खत्म कर दिया होता है, और इसके साथ ही उस एनर्जी को तांगसन के यूज करने लायक प्योर एनर्जी में बदल देता है। 8 स्पाइडर लांस ने केवल वेल किंग की एनर्जी को ही एब्जॉर्ब नहीं किया, बल्कि उसकी लाइफ फोर्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। यह वीडियो यहाँ खत्म होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।